हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने इंडेसेस एंड सर्ट्स के आगे के क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा आने वाला है 35 तक कंप्लीट हो गए थे, 36 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िएगा, उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 36 में हमें दिया हुआ है ब्रैकेट के अंदर रूट टू प्लस, फिर दिया हुआ मैं रूट के अंदर 7 माइनस 2√10। कितना? 2√10। यह हमें क्वेश्चन में गिवन है। ओके, क्वेश्चन ने तो हमें दे दिया, ये पूछा है कि ये किसके बराबर है। तो सिंपल सा फंडा है, इसे अभी भूल जाते हैं। ठीक है, सिर्फ इतने को सॉल्व करना है। तो ये क्या है मेरा 2ab, ये क्या है मेरा 2ab है। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन कराते हैं, अगर अब भी ना कर पाओ तो फिर कुछ नहीं हो सकता। 2 से 2 कट गया, ab इज इक्वल टू है कितना 10। अब इसके दो टुकड़े ऐसे कर दूं कि उनका स्क्वायरिंग करने के बाद जोड़ने पर कितना आ जाए 7 आ जाए। तो 5 दुनी 10 गुणा करने पर तो इतना आ रहा है, 5 और 2 7 हो गया काम। तो ए और बी के दो टुकड़े कौन कौन से हो गए, √5 × √2 हो गए। 5 × 2 = 10 हो रहा है। ठीक है, √5 का स्क्वायर करूंगा, √2 का स्क्वायर 5 और 2 ही आएगा निकल के। ठीक है, 5 और 2 कितना हो गया 7 हो गया। तो सीधी सी बात है, ये दोनों टुकड़े मिल गए मुझे। बीच में अगर माइनस है तो देखो √2 प्लस रूट के अंदर जो वैल्यू आएगी ना √5 − √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई यहां पर माइनस का है। ठीक है, यहां पर माइनस का होता है तो माइनस का, अगर प्लस का है तो प्लस का। ठीक है, अब यहां पर इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, बचेगा क्या मेरे पास √2 + √5 − √2। अब क्या कर सकते, इस माइनस वाले से प्लस वाला काट देंगे, बचेगा क्या ओनली √5। तो √5 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ के, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ठोको लाइक, फटाफट से नोट कीजिएगा, √5 मतलब ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। 37 की कहानी क्या कहती है सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, 37 ने दिया 256 की पावर है 256 की पावर दी गई है, कितनी 0.60। ठीक है, आगे दिया मल्टीप्लाई 4 की पावर कितनी है 0.36। मल्टीप्लाई 4 की पावर कितनी है 0.36, ये हमें क्वेश्चन दिया है। 256 की पावर 0.16 मल्टीप्लाई 4 की पावर 0.36 एंड किसके बराबर होगा ये हमसे पूछा है। सबसे पहले 256 क्या होता है, ये होता है 4 की पावर 4 होती है। ठीक है, तो 4 की पावर 4 है तो लिख दो 4 की पावर 4। अब यहां पर कितनी पावर है 0.16 मल्टीप्लाई 4 की पावर 0.36, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो 16 × 64, तो 4 की पावर बनी कितनी 0.64 मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा 4 की पावर 0.36। दोनों का बेस समान है तो पावर जोड़ दो भाई, 4 की पावर बन गई 64 और 3600 मतलब 1, 4 की पावर बनी 1 तो मतलब कितना हो जाएगा 4, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो हमारे जो आंसर है वो है 4 ऑप्शन में ही दिया है। फटाफट से नोट कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 की कहानी क्या कहती है सीखिएगा। सिंपल है, इजी क्वेश्चन है सारे, टेंशन मत लिया करो। क्वेश्चन नंबर 38, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 वा देखते हैं। 1/2 की पावर दी गई माइनस का 1/2, ए 1/2 की पावर दे रखी है माइनस का 1/2। अब एक बात बताओ, माइनस जब भी होता है हम इसे क्या ले जा कहाँ ले जाते हैं, 1/2 में, क्योंकि ये हमें पॉजिटिव करना है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 1/2 में लेके जाएंगे 1/2 को, तो पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, मतलब 1/2 हो जाएगी। ठीक है, अब इस 2 का क्या करें भाई, 2 का हम एक काम कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर ऊपर 1 मान लो, ऊपर का आधा है ना, तो यहाँ पर 1 मानेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, सीधी सी कहानी है। 2 को सीधे सीधे ऊपर 2 लिख दो, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 से तो कोई फर्क नहीं
नहीं पड़ रहा, लेकिन दो। तो यहाँ से अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो दो की पावर बन जाएगी 1/2, और दो की पावर 1/2, 1/2 कितना होता है भाई, भाई दो की पावर 1/2 होता है कितना, रूट के अंदर 2। ये हमारा जो अब आंसर हो गया सिंपल, तो रूट 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ। फटाफट से नोट कीजिएगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इसे नीचे ले गए क्योंकि माइनस का साइन था, माइनस का साइन पॉजिटिव हो गया, बाकी बीच में कैलकुलेशन है। 2 की पावर 1/2, 1/2 मतलब स्क्वायर रूट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। 39 की कहानी क्या कहती है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है रूट 7 माइनस रूट 5। क्या बोल रहा है, रूट 7, ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है। रूट 7 माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाई रूट 7 प्लस रूट 5, ठीक है। आगे क्या दिया हुआ है देखिएगा, बीच में है प्लस का साइन एंड हमसे पूछा गया रूट 7 प्लस रूट 5 एंड रूट 7 माइनस रूट 5। तो देखो यहाँ पर ये माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये प्लस का, तो जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आता तो सीधे सीधे ए प्लस बी कर लेते हैं। मतलब यहाँ पर ये जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा हमारा, 7 और 5 12 आ जाएगा, ठीक है। क्या कर लेंगे, सीधे सीधे जो डिजिट लिखी गई है इन दोनों को जोड़ लेंगे, तो आंसर कितना हो जाएगा, 7 प्लस 5 हो जाएगा इज इक्वल टू 12। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए, नहीं समझे कोई बात नहीं। देखो डिटेल में चलते, जब भी कभी ये माइनस का, ये माइनस का डिजिट एज इट इज रहनी चाहिए, मतलब 7 5 7 5 7 5 7 5, ऐसा नहीं है संख्या अलग अलग हो तो हमें फिर एलसीएम लेके करना होगा। सबसे पहले नीचे क्या बन रहा है ये देखो, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो नीचे एलसीएम क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट 7 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर, ये हो गया नीचे। ऊपर अगर हम करेंगे तो इससे अगर मैं इसे डिवाइड दूंगा तो बचेगा क्या, ये इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो कितना हो जाएगा, दो बार, मतलब रूट 7 माइनस रूट 5 इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर लगा दो प्लस, इसी तरह यहां पर रूट 7 प्लस रूट 5 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन बनता है। अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर खोलेंगे, इसका स्क्वायर खोलेंगे, बाकी सॉल्व करेंगे। तो इसे अगर मैं सॉल्व करता हूं तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब 7, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 7 प्लस 5 माइनस है ना, तो माइनस 2ab, तो 2√7√5, ठीक है। यह हमारा हो गया, बीच में प्लस का साइन है एंड यहां पर 7 हो जाएगा, प्लस यहां पर 5 हो जाएगा, प्लस यहां पर 2ab, ए कितना है √7 और b कितना है मेरा 5, ये हो गया। बट्टे में अगर मैं देखूं 7 मतलब इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो 7 में से 5 गए तो बचे कितने, 2 बचे, ठीक है। अब देखो ये वाली पोजीशन माइनस की है, ये वाली संख्या प्लस की है, तो ये वाली माइनस से प्लस वाली कट जाएगी। अब यहाँ पर बचता है 7 और 5 12, ये भी बचता है 7 और 5 12, तब 12 और 12 कितना हो गया भाई, 24 हो गया, और 24 के बट्टे में 2, तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 12, समझ गए। तो फटाफट से ठोक दो लाइक, तो 12 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है, नोट कीजिएगा फटाफट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 में क्या दिया हुआ है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया हुआ है रूट के अंदर 3 है, फिर रूट के अंदर 3 है, फिर रूट के अंदर 3 है, फिर रूट के अंदर 3 है, ये जा रही है टर्म्स इन्फिनिटी तक। जब भी कभी कोई टर्म्स जिसमें कोई साइन नहीं होता तो हमारा जो आंसर है वो कितना हो जाता है, जो टर्म लिखा हुआ है वही हमारा आंसर हो जाती है, तो मतलब 3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, समझ गए। यहाँ पर कोई साइन नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है, नोट कीजिएगा फटाफट, बेसिक में बता दी गई है ये सारी चीज़ें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 जो कि आप लोगों का है डाउट, कोशिश करूंगा उस डाउट को क्लियर करने के लिए, ठीक है, बस वीडियो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 अच्छा क्वेश्चन है देखिएगा, 1/3 माइनस रूट के अंदर 8, 1/3
थ्री माइनस रूट के अंदर एट लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं, माइनस वन बाई रूट एट माइनस रूट सेवन। ठीक है, इसी तरह आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन में, क्या लिखा है, वन बाई रूट सेवन माइनस रूट सिक्स। इसी तरह आगे साइन देख लेते हैं, साइन दिया हुआ माइनस का, फिर दिया हुआ वन बाई रूट सिक्स माइनस रूट फाइव। सबके बीच में माइनस लगा हुआ है, बीच में साइन चेंज है, कहीं प्लस है तो कहीं माइनस है। ठीक है, प्लस, अब वन बाई रूट फाइव माइनस टू, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है और हमसे क्वेश्चन ने पूछा है किसके बराबर होगा, तीन और दो पाँच, देख लीजिएगा, वन टू थ्री एंड फोर फाइव। ठीक है, थ्री रूट एट, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, रूट एट माइनस रूट सेवन माइनस रूट सिक्स माइनस रूट फाइव माइनस टू। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। अब क्या करना है भाई, सबसे पहले अब यहाँ पर देखो एलसीएम लेने वाली चीज़ तो है नहीं है भाई, क्योंकि सारी डिजिट अलग अलग हैं, तो अब क्या करेंगे, नंबर्स को रेशनलाइज करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इस नंबर को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, तो वन बाई कितना है, थ्री माइनस रूट एट है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दूँ साइन चेंज करके, थ्री प्लस रूट एट हो जाएगा एंड थ्री प्लस यहाँ पर भी रूट एट हो जाएगा। ठीक है, ऊपर मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा, थ्री प्लस रूट एट हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाई, नीचे देखो नीचे क्या है मेरे पास, ए माइनस बी ए प्लस बी, जब ए प्लस बी और ए माइनस बी होते हैं तो क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तीन तिर का नौ हो जाएगा, माइनस बी का स्क्वायर रूट एट का स्क्वायर करेंगे तो एट हो जाएगा। तो नीचे तो भाई बचा वन, तो मतलब इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, थ्री प्लस रूट एट आएगा, सिर्फ किसका आंसर, इसका। ठीक है, मतलब ये थ्री प्लस रूट एट, कुछ चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ साइन चेंज हो रहा। अगर हम देखें यहाँ पे माइनस का साइन था, ये प्लस का हो गया और नीचे से ये पहुँच गया ऊपर, बस इतना सा चेंज हुआ। क्या ऐसा पैटर्न आगे भी चल रहा है, चेक करके देखते हैं। तो अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो देखते हैं क्या होता है। तो लिखा हुआ है मेरे पास वन बाई रूट एट माइनस रूट सेवन, ये मेरे पास क्वेश्चन में दिया है। अगर मैं इसका रेशनलाइज करूँ इस नंबर को तो फिर क्या हो जाएगा, रूट एट प्लस रूट सेवन। ठीक है, बट्टे में रूट एट प्लस रूट सेवन। अगर मैं देखूं तो यहाँ पर भी देखो इसका रूट है, इसका रूट है, तो स्क्वायर करेंगे आठ में से सात जाएगा तो एक ही बचेगा, नीचे तो कुछ बचा ही नहीं। जब नीचे कुछ नहीं बचा क्योंकि ए माइनस भी है ए प्लस भी है, ऊपर क्या बचा मेरे पास, सिंपली रूट एट प्लस रूट सेवन। तो मतलब यहाँ पर भी साइन चेंज हुआ, सिर्फ ये ऊपर पहुँच गया, साइन चेंज हो गया। तो अब हमें ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे हम वैसे ही लिख देते हैं ना, तो क्या हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम इसे सॉल्व करेंगे इस वाली को टर्म्स को, तो कितना आ रहा है, थ्री प्लस रूट एट। ठीक है, बीच वाला साइन अभी यूँ ही रहने दें, माइनस का साइन है, इन्हें ब्रैकेट में रख लें। ये कितना हो जाएगा, रूट एट प्लस रूट सेवन। ठीक है, ये प्लस का साइन है तो प्लस लगा दें एंड उसके बाद क्या हो जाएगा, रूट सेवन माइनस रूट सिक्स। ठीक है, इसके बाद माइनस का साइन है तो माइनस का लगा दें, फिर उसके बाद दिया हुआ है रूट सिक्स माइनस रूट फाइव, ब्रैकेट एंड प्लस का साइन है तो प्लस लगा दें एंड रूट फाइव प्लस टू। देखो साइन चेंज एक बार चेक कर लेते हैं कि ये है या नहीं, कि माइनस का है तो प्लस हो गया, माइनस का है तो प्लस हो गया, माइनस का है तो प्लस, प्लस हो गया, माइनस का है तो प्लस हो गया, माइनस का है तो प्लस हो गया, साफ ही हो गए। ओके, अब क्या करना है, जो माइनस बाहर दिए गए हैं उनका मल्टीप्लाई कर देना। कितने माइनस है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, दो माइनस है, वन एंड टू। ठीक है, तो ये हो गया थ्री प्लस रूट एट माइनस रूट एट, माइनस का मल्टीप्लाई इसमें माइनस का रूट सेवन, प्लस तो प्लस रूट सेवन, फिर प्लस रूट सिक्स, फिर माइनस रूट सिक्स, फिर माइनस रूट फाइव, फिर प्लस रूट फाइव एंड प्लस टू। ये हमारे पास क्वेश्चन बनता है। अब क्या करना है, इसमें क्रॉस कर देते हैं, रूट एट माइनस का प्लस का, प्लस का माइनस का, माइनस का प्लस का, बचा क्या, दो इधर बचा हुआ है और इधर बचा हुआ है तीन, तो थ्री प्लस टू कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तीन और दो पाँच हो जाएगा। समझ के फटाफट से नोट कीजिएगा, बिल्कुल सिंपल सा इजी क्वेश्चन है। ठीक है, फाइव हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है। फटाफट से नोट कीजिएगा या स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42।
42 में क्या दिया हुआ है देखते हैं। वो तो सबने कर लिया होगा, सिंपल सा दिखाई दे रहा है, उसमें कुछ है भी नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा। रूट के अंदर 64 है, माइनस रूट के अंदर 36 है। तो रूट के अंदर 64 है, माइनस रूट के अंदर 36 है, ये हमें सॉल्व करना है। बस किसके बराबर पूछा, तो 8 8 64 होता है 6 6 36, तो ये होता है 8 का स्क्वायर एंड माइनस ये होता है 6 का। तो 8 में से 6 गए तो आंसर कितना हो जाएगा 2। बस हमें यही पूछा है, मजाक कर रहा है हमारे साथ। चलो तो 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। फटाफट से नोट कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। हो सकता है आप लोगों का डाउट हो सकता है क्या है, बहुत सारे बच्चों का डाउट होगा, लेकिन वो क्लियर करने की कोशिश करूंगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा, ठीक है। कुछ भी नहीं है मैथ में, ठीक है, सिंपल होती है बिल्कुल, बस आप लोग प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 बाई क्यू रूट 4 है, कितना क्यू रूट 4, फिर आगे दिया हुआ है हमें प्लस क्यू रूट 2 एंड फिर हमें दिया गया है कितना प्लस 1, कितना दिया हुआ है प्लस 1, ठीक है। ये मेरे पास क्वेश्चन है और हमसे पूछा है ये किसके बराबर है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं वो देखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 1 है, ठीक है, 1 बाई, नीचे क्या कर सकता हूँ, क्यू रूट को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 की पावर 1/3 लिख सकता हूँ बिल्कुल, प्लस इस 2 की पावर कितनी लिख सकता हूँ 1/3 एंड ये हो जाएगा प्लस का 1, ये अलग है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो 4 की पावर 1/3 है, अगर मैं इसे 2 2 जो 4 2 का स्क्वायर कर दूँ तो 2 का मल्टीप्लाई इधर पहुँच जाएगा, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट स्टेप में लिखूँ तो 1/ तो 2 2 जो 4, देखो इसे अगर मैं लिखूंगा तो 2 की पावर 2 एंड 1/3 होगा, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो सीधे सीधे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2/3, ठीक है, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 1/3 एंड प्लस 1, ये तो हमारा सॉल्व हो गया। अब आगे क्या कर सकते हैं, यहाँ तक क्लियर हुआ बिल्कुल। अब आगे या तो देखो बीच में प्लस का साइन है, प्लस तो हो नहीं सकता, प्लस 1 दिया हुआ है, एक काम कर सकते हैं यहाँ पर देखो ए बी ए, अगर मैं इसे स्क्वायर बना दूँ, फॉर्मूला बनाने की कोशिश करना, तो यहाँ पर ये कितना है मेरा और ये, अगर मैं इसे ए मान लूँ, ठीक है, इसे मैं अगर ए मान लूँ तो ये क्या है मेरा ए बी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर है, ये ए है ये बी स्क्वायर है, ठीक है। या फिर अभी रुक जाओ, अभी अगर मैंने ये ए माना, एक बात बताओ, ए अगर ये फिर ये क्या होगा भाई, ये क्या होगा, ये देखो बी हमारा 1 है, बी इज इक्वल टू 1 है, तो बी का मल्टीप्लाई किसी में भी होगा तो हमें पता नहीं चलेगा क्योंकि 1 है, तो इसलिए यहाँ पर ए इंटू बी मानो इसे, ठीक है। तो हमारे पास मिला बी स्क्वायर ए बी एंड प्लस यहाँ पर ये क्या हो सकता है, ये सबसे बड़ी बात है, अगर ये पता चल जाएगा तो अपना काम बन जाएगा। सीधी सी बात है भाई, ए तो मेरा ये है, बी का कोई फर्क नहीं पड़ा इस नंबर पे, इस संख्या पे, ठीक है। तो यहाँ पर हो सकता है क्या ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर एक बार चेक कर लें क्या ए का स्क्वायर करने पर यही संख्या बनती है। तो ए मैंने किसे माना, 2 की पावर 1/2 को माना, 1/3 को, और अगर मैं इसका स्क्वायर करके देखूं तो अगर ये वाली संख्या बनती है तो मतलब हम सही जा रहे हैं। चेक करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई होगा 2 1 2, तो 2 की पावर कितनी बनी भाई 2/3 बनी, तो अपना काम बन गया, मतलब वेरीफाई। अब लेकिन यही, ये तो किसी का फॉर्मूला नहीं होता है भाई, ये फॉर्मूला नहीं होता। अब जब ये फॉर्मूला नहीं होता तो कुछ तो करना पड़ेगा, एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम चाहें तो एक फॉर्मूला बना सकते हैं। ऊपर नीचे याद रखना, जब भी कभी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर और नीचे रेशियो में हम बढ़ाते हैं कि
ऊपर और नीचे आप बराबर बराबर संख्या का मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे वैल्यू कट जाती है। अगर मैं ऊपर दो का कर दूं तो नीचे भी दो का करना पड़ेगा, क्योंकि दो से दो कट जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आंसर पर। ठीक है, इसी तरह से आपको इसमें भी करना होगा। ठीक है, तो इसमें करके देखते हैं। यहाँ पर अगर मैं देखूँ, ये प्लस है, ये प्लस है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर 2 इज 1/3 माइनस 1 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1 में, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई 1 में कर देता हूँ ऊपर। अगर मैंने ऊपर किया मल्टीप्लाई तो इसी चीज़ का नीचे भी मल्टीप्लाई करने का, 2 इज 1/3 माइनस 1, नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2/3 प्लस 2 की पावर 1/3 प्लस एंड 1 स्क्वायर। अब ये मेरे पास क्या है भाई, ऊपर कर दिया मैंने, नीचे कर दिया, कोई फर्क तो नहीं पड़ा, क्योंकि इससे ये पूरी वैल्यू कट जाएगी। तो अपना जो लिखा था वही लिखा हुआ है, कोई अलग नहीं है। ठीक है, ये क्या है मेरा ए, ये क्या है मेरा बी, ए माइनस बी, ये क्या है मेरा ए स्क्वायर प्लस, ये क्या है मेरा ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला होता है, ये अगर हमें पता चल जाए तो अपना काम बन जाएगा। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, तो ये हमारा किसका फॉर्मूला होता है भाई, ए माइनस बी ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरा ए क्यू माइनस बी क्यू। किसका हो जाएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला हो जाएगा ये। तो अपना काम बन गया भाई, फॉर्मूला तो लिखा हुआ, ऊपर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। चलो तो आगे देखते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू का, तो नीचे में क्या लिख सकता हूँ, ए क्या है मेरा, ए ये है मेरा, बी क्या है मेरा, ये है, ठीक है, दोनों का क्यू कर देना, ओके कर देंगे। अब ऊपर क्या लिखा हुआ, ऊपर का तो एज इट इज लिख देते, तो 2 सही 1/3 है, 2 सही 1/3 माइनस 1, इसका तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसे अभी भूल जाओ। ठीक है, ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ए क्यू करेंगे, 2 की पावर 1/3 है। अच्छा एक बात बताओ, 2 की पावर 1/3 है, इसे क्या लिख सकता हूँ, क्यू रूट 2 नहीं लिख सकता क्या, क्यू रूट 2 लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्यू रूट 2 क्यों क्यों लगा, क्योंकि ये पावर में नीचे 3 है हर में, ठीक है, क्यू रूट 2 हो गया। अब इसका क्यू करना है, ए क्यू माइनस बी कितना है मेरा, 1 है, 1 का क्यू कर दो भाई, या फिर क्यू रूट लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका अगर मैं क्यू भी कर दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना है भाई, ठीक है, करने की कोशिश करते भाई। इससे ये पावर कट गई, क्यू का तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखेंगे तो 2 की पावर 1/3 है, इसे भी मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, 1/3 है, तो मतलब क्यू रूट 2, तो ऊपर हो जाएगा कितना, क्यू रूट 2 माइनस 1, एंड नीचे अगर हम देखेंगे तो ये 2 हो गया, 2 माइनस 1, नीचे कितना हो रहा है, 2 माइनस 1, दो में से एक गया तो बचा कितना, 1, तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, अब कुछ बचा ही नहीं हमारे पास, क्यू रूट 2 माइनस 1, यह हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ गए, सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है, फटाफट से नोट कीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा क्यू रूट 2 प्लस 1 माइनस 1, तो माइनस 1 मतलब ऑप्शन नंबर 2, बिल्कुल राइट है, नोट कीजिएगा फटाफट। समझ में आना चाहिए, आ गया होगा, ठीक है, और अगर अब भी नहीं आया तो दोबारा देखिएगा इस वीडियो को, ठीक है। फर्स्ट टाइम अगर इस चैप्टर को कर रहे हो तो प्रॉब्लम्स तो होगी, ये तो होना ही है, क्योंकि फर्स्ट टाइम इतनी आसानी से नहीं आता है। अगर 2-3 बार आप देखोगे और रिवीजन करोगे टाइम से, तो आप लोग बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो जाओगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, 44 देखिएगा क्या दिया हुआ, 1 बाई रूट के अंदर 1 प्लस रूट 2 दिया हुआ है, ठीक है, प्लस 1 बाई रूट 2 प्लस रूट 3 दिया हुआ है, ठीक है।
ठीक है, ये सीरीज कहाँ तक जा रही है, अभी एक डिजिट और है, 1/√3 + √4, ठीक है, + √4 है, फिर उसके बाद सीरीज आ रही है प्लस करने के बाद, और ये सीरीज आ रही है 1/√ के अंदर 99 और 100 तक, कहाँ तक, 99 to 100, ये हमें सॉल्व करना है, ठीक है। चलो देखते हैं, सबसे पहले एक डिजिट को सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्या कंडीशन होती है वो देख लेते हैं। सब में प्लस प्लस है, कहीं भी माइनस वगैरह तो नहीं है भाई, देख लीजिएगा, हाँ कहीं भी माइनस नहीं है, सब प्लस है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले इस नंबर को सॉल्व करते हैं, तो 1/√1 + √2 मल्टीप्लाई कर देंगे साइन चेंज करके, √1 - √2 / √2, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा ऊपर, √1 - √2, ध्यान से देखिएगा, एंड डिवाइडेड बाय, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 और इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस का 2, क्योंकि भाई a प्लस बी ए माइनस बी, ये नीचे कितना बचेगा, ऊपर अगर हम देखेंगे तो √1 - √2, कहीं ना कहीं ये हमें कुछ गड़बड़ सा दिखाई दे रहा है, क्योंकि माइनस का 1 बच रहा है, ऊपर अगर हम देखेंगे तो ये वाली वैल्यू बड़ी हो जाती, तो मतलब ये है अगर हम चाहें तो इसे जो है चेंज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बताइए, हम ये कर सकते हैं कि इस सीरीज को दोबारा लिखते हैं हम, और उस दोबारा में हम कैसे लिखेंगे वो ध्यान से देखिएगा, इस सीरीज को दोबारा लिख रहा हूँ मैं अपने अकॉर्डिंग, 1/√2 है तो √2 में फर्स्ट पे लिख देता हूँ + √1, क्यों, बड़ी संख्या पहले पर ले ली ना, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ा, बड़ी संख्या पहले पर दूसरी नंबर पर छोटी, प्लस इसी तरह यहाँ पर कर देंगे 1/√3 + √2, क्योंकि ये भी प्लस का ये भी प्लस का सब प्लस के ना, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1/√4 + √3, ठीक है, एंड प्लस ये टर्म्स आ रहा है कहाँ तक, 1/√100 + √99, अब सही है ना, बड़े में से छोटा माइनस करना है, बड़े में से छोटा, बड़े में से छोटा, बड़े में से छोटा, ठीक है। अब इस नंबर को सॉल्व करके देखते हैं, तो 1/√2 + √1 मल्टीप्लाई करेंगे, √2 - √1, ठीक है, ऊपर कितना बचा, √2 - √1 - √1, एंड डिवाइडेड में कितना, a + b a - b, तो ए स्क्वायर मतलब ये 2, एंड 1 का स्क्वायर करेंगे, √1 का स्क्वायर 1, तो नीचे कितना बचा, 2 में से 1 गए, तो यहाँ पर जो निकल के आया वो कितना, √2 - √1, एंड डिवाइडेड बाई कितना है, 1 है, तो 1 का तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसे हटा दो, तो √2 - √1 निकल के आ रहा है, मतलब ऊपर करने पर, ठीक है, ऊपर करने पर क्या हो रहा है, सिर्फ साइन चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है भाई, सिर्फ साइन चेंज हो रहा है, √2 - √1, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा ऊपर, इसी तरह यहाँ पर सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, दोनों के बीच में एक का अंतर, नीचे एक होगा, इसमें भी एक का अंतर, नीचे एक होगा, इसमें भी एक का अंतर, अब क्या कर सकते हैं भाई, ये पहले स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो इसे, ठीक है, सिर्फ क्या हो रहा है, साइन चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है इस सीरीज में, साइन चेंज हो रहा है, साइन चेंज करके ऊपर लिख दीजिए, बस इतना करना है, क्योंकि नीचे 1 बचेगा, ठीक है, तो साइन चेंज कर देता हूँ, ऊपर करेंगे तो कितना हो जाएगा, √2 - √1 + √3 - √2 + √4 - √3 + सीरीज आ रही होगी कहाँ तक, ऊपर करेंगे तो कितना हो जाएगा, √100 - √99, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया है ना, आप इसे सॉल्व कर लो, प्लस माइनस काट लो, सीरीज ध्यान से काटना, लेकिन ये एक मेरे पास संख्या थी, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, फर्स्ट टर्म से पहले वाले टर्म से कट रहा है इसका सेकेंड वाला, ठीक है, अब इसके पहले से कौन सा कटेगा, दूसरे टर्म का सेकेंड, इसके पहले से किसका कटेगा, दूसरे टर्म का सेकेंड, मतलब बीच में सीरीज होगी, इसी तरह से इससे ही जो है कटेगा दूसरे टर्म का सेकेंड, तो मतलब इसी तरह से पहले टर्म से कौन कट जाएगा, ये वाला सेकेंड वाला कट रहा है, ठीक है, कट गया, अब हमारे पास क्या बचता है, माइनस का √1 और बचता है √100, तो √100 बड़ी संख्या है, तो √100 में से माइनस कर देंगे कितना, √1, ठीक है, तो ये कितने का होता है, 10 का होता है, माइनस ये कितने का होता है, 1 का होता है, तो कितना हो जाएगा फाइनल आंसर, 9, समझ गए,
बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट से नोट कीजिएगा, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहा है, 45 ने हमें दिया हुआ है वन बाई रूट के अंदर, वन बाई रूट के अंदर वैल्यू दी गई है 12 माइनस रूट के अंदर 140, 12 माइनस रूट के अंदर दिया गया 140, ठीक है। आगे देखते हैं, माइनस वन बाई रूट के अंदर दिया हुआ है 8 माइनस रूट के अंदर 60, यहां पर साइन देख लीजिए, माइनस का दोबारा साइन है एंड 2 रूट के अंदर देखते हैं कितना दिया हुआ है 10 प्लस रूट 84, 140, 60, 84, ठीक है। का मान क्या होगा, दोनों साइन माइनस के, लास्ट में 2 है। ओके, सबसे पहले इसके नीचे वाला सॉल्व करके देखते हैं, क्योंकि ये कहीं देखा हुआ सा लगता है, ये हमने सॉल्व करना सीखा है, बस फर्क क्या है, यहाँ पर कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो सीधी सी बात है इसमें से बाहर निकाल लूँ ना। तो अगर मैं इसी को सॉल्व करूँ, सिर्फ नीचे नीचे वाले हिस्से को सॉल्व करो, ऊपर से कोई मतलब नहीं, इनसे कोई मतलब नहीं, सिर्फ इतने के ऊपर फोकस करो, और उसमें भी रूट 40, रूट 140 इसके फैक्टर करते हैं सबसे पहले, तो कितना हो जाएगा 7 × 2 = 14, मतलब एक तो होगा 7, बचा 20 मेरे पास, 7 × 2 = 14 बचा 20, तो मतलब एक होगा 5 और एक हो जाएगा 4, 4 × 5 = 20, 20 × 7 = 140, ये हो गया। अब इसी चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, देखिएगा, 1√12 माइनस, अब ये बताओ ये बाहर आएगा क्या रूट से, नहीं आएगा क्योंकि बेचारा अकेला है, ये बाहर आएगा नहीं आएगा क्योंकि बेचारा अकेला है, लेकिन इस 4 के अंदर 2 हैं, मतलब 2 की पावर ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि 2 × 2 = 4, और 2 बाहर आ जाएगा तो अंदर कौन रह गया, 7 × 5 = 35 रह गया ना, ठीक है, ये इतना सॉल्व हो गया भाई। ओके, सॉल्व होने के बाद हम क्या कर सकते हैं, देखिएगा ध्यान से, अब ये क्या है मेरा, ये 2ab है, तो 2ab वही फंडा होता है, 2ab = √35, ओके, 2 से 2 कट गया, अब ab के ऐसे टुकड़े कर दो जिससे क्या हो जाए, स्क्वायरिंग करने पर 12 आ जाए, तो कितना हो जाएगा, 7 और 5 = 12 होते ना, तो √7 × √5, 7 × 5 = 35, 7 और 5 = 12, अपना काम बन गया ना, तो 1 / कितना हो जाएगा, ये 1 / रूट के अंदर कितना, √7 माइनस का साइन है, माइनस √5² इस स्क्वायर से ये कट गया, अब बचा मेरे पास ओनली √7 − √5, तो अब देखो सीधी सी बात है, ये फंडा नहीं करना, सिर्फ इतना करना है इसके फैक्टर कर लो पहले, तो फैक्टर अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 से 30, 5 × 30, 5 × 6, 6 के अंदर 1 और 2 है, 2 × 3 = 6 हो जाएगा, तो 2 × 3, तो कितना हो गया, 5 × 2 = 10, 10 × 2 = 20, 20 × 3 = 60, ठीक है, ये वाला 2 मिलके, ये वाला 2 मिलके कितना हो जाएगा, 2√5 × 15, 5 और 3 हो गए फैक्टर, ठीक है, 5 × 3 = 15, 5 और 3 कितने हो रहे, 8 हो रहे, अपना काम बन गया ना, इसके 2 टुकड़े, ये तो 2ab से कट जाएगा, 2ab जब होगा 2 से 2 कटेगा बराबर होगा, इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे, कौन कौन से, √5 और √3, देखो इसका स्क्वायर है और नीचे वाले का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 8 आ जाना चाहिए जोड़ने पर, तो 5 और 3 = 8 आ रहा है, बिल्कुल सही है, तो 1 / इसके नीचे कितना हो जाएगा, 1 / रूट के अंदर कितना, √5, बीच में माइनस है तो माइनस √3² इस स्क्वायर से ही रूट कट जाएगा, ठीक है, इसी तरह इसका कर लेते हैं, सीख लीजिए अभी, ठीक है, करना बाद में, अब 84 है तो इसे तोड़ लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 84 के फैक्टर करते 12 × 7 = 84, तो 7 से तो होगा प्लस 12 मतलब कितना होता है, 4 × 3 = 12, 4 बाहर पहुंचेगा बाकी दोनों अंदर रहेंगे, तो कितना हो जाएगा यहां पर भाई, 2√5
भाई दो बाहर आ गया, सात ही 21, ठीक है। ये है मेरी वैल्यू 2ab की, 2ab इक्वल टू इतना है तो दो से दो कट गया, ab इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई रूट 21 है, तो रूट 21 के फैक्टर करेंगे दो टुकड़े, तो दो टुकड़े करेंगे तो कितना हो जाएगा रूट 7 और रूट 3। तो देखो जरा, सात ती है 21 हो रहा, सात और तीन 10 हो रहा, अपना काम बन गया ना। तो 1/2, ऊपर 2 लिखा हुआ है, 2/ कितना लिखा हुआ है नीचे, नीचे कितना बोल सकते हो रूट 7 प्लस, बीच में प्लस है, प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, तो इस स्क्वायर से ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या मेरे पास 2/√7 प्लस रूट 3। बस मैंने ये बताया कि ये वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। अभी सॉल्व नहीं किया, सॉल्व तो हम करेंगे अभी। यहाँ पे ये वाली वैल्यू निकाली और इसकी क्या थी, हाँ ये वाली, ये तीनों वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी। अब क्या करना है, साइन के अकॉर्डिंग चेंज करना है। अभी तो सिर्फ आपको ये वाला जो पैटर्न है ये अपने माइंड में ही सॉल्व करना है, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ज़्यादा पेन पेपर पे कॉपी पे लिखना नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, ठीक है। सिर्फ ये वाला पॉइंट अभी लिखा रहने, तो कैसे किया वो मैंने बता दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/ रूट से स्क्वायर कट गया तो बचा क्या, रूट 7 माइनस रूट 5, ये बच गया मेरे पास। इसी तरह आगे देखेंगे तो आगे माइनस का साइन है, एंड ये फैक्टर किए थे हमने, इसे हटा दो, आप भी करना चाहो तो कर सकते हो। तो बट्टे में कितना है रूट 5 माइनस रूट 3, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट गया था, ठीक है। ये भी हो गया हमारा काम, ये भी हो गया, ओके। माइनस टू बाई कितना था रूट 7, प्लस का साइन है तो प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर था, लेकिन यहाँ पर रूट से स्क्वायर कट गया था, तो फिर क्या हो गया, ये भी हो गया। आगे देखते हैं अब क्वेश्चन में क्या करना है। अब करना पड़ेगा आपको या तो एलसीएम, एलसीएम लेने का कोई चांस नहीं दिखाई दे रहा मुझे, ठीक है। तो हमें करने होंगे कॉन्जुगेंट के मल्टीप्लाई, ठीक है। तो कर देते, तो यहाँ पर कितना है 1/√7 माइनस रूट 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा कितने का, रूट 7 साइन चेंज करेगा प्लस रूट 5। इसी तरह यहाँ पर रूट 7 प्लस रूट 5, ठीक है, बीच में माइनस तो माइनस, 1/√5 माइनस रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 5 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाई रूट 5 प्लस रूट 3, ठीक है, माइनस है, एंड 2/√7 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 7 माइनस रूट 3, रूट 7 माइनस रूट 3, ठीक है। अब देखते हैं जरा क्या हो रहा है यहाँ पर, तो देखेंगे सात ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो अब नीचे क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे। तो नीचे अगर मैं देखूँ इसका स्क्वायर करेंगे तो बचेगा कितना, रूट 7 का स्क्वायर 7, रूट 5 का स्क्वायर 5, तो 7 में से 5 के बचे कितने भाई, यहाँ पर बच रहा है इस वाली कंडीशन में, नीचे कितना बच रहा है भाई 2 बच रहा है, ठीक है। इस वाली कंडीशन में नीचे देखेंगे तो 2 बच रहा है, लेकिन इस वाली कंडीशन में अगर देखेंगे तो 7 में से 3 के 4 बच रहा है। एक काम कर दे, इस वाले 2 से ये काट दो, 2 दूनी 4, क्योंकि 7 में से 3 गए तो 4 बचे थे। इस वाले तो ये 2 एक्स्ट्रा है, वैसे भी इससे काम चला लो तो 2 आ जाएगा नीचे। ऊपर क्या क्या बचा मेरे पास, रूट 7 प्लस रूट 5 माइनस का रूट 5 माइनस रूट 3, इसी तरह से ये भी माइनस का से, ठीक है। साइन देख लीजिएगा ध्यान से, रूट 7 प्लस रूट 5, अभी मैंने ये लिख लिया, ठीक है, ये लिख लिया। बट्टे में अभी 2 लिखा हुआ है, या फिर एक बड़ा सा डिवाइड बनाते हैं, और 2, 2, 2 इनका एलसीएम ले लूं तो नीचे तो 2 आ जाएगा भाई, तीनों के नीचे 2, 2, 2 हो गया ना, तो एलसीएम ले लूं 2, ठीक है। किसी का कुछ नहीं करना, बस उतार देना, माइनस का साइन है, माइनस का मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो माइनस का रूट 5, माइनस का इसमें करूंगा तो माइनस का रूट 3, ठीक है, माइनस का उसमें करूंगा तो माइनस का रूट 7, माइनस का उसमें करूंगा माइनस रूट 3 में तो प्लस का रूट 3, ये हो गया। माइनस का मल्टीप्लाई इसमें किया तो माइनस माइनस प्लस रूट 3, सॉल्व कर लेते हैं भाई, प्लस का 5 है माइनस का 5 है, रूट 7 है माइनस का है, माइनस का है प्लस का है, ऊपर तो भाई कुछ नहीं बचा। जब कुछ नहीं बचा तो आंसर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि नीचे 2 कुछ नहीं कर पाएगा, समझ गए। तो 0 हमारा राइट आंसर हो जाएगा,
मतलब देखा जाए तो ऑप्शन नंबर हमारा होगा राइट, क्वेश्चन नंबर 45, तो 45 का हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन राइट। समझ गए, फैक्टर आपको करने पड़ेंगे, फैक्टर के बाद देखना पड़ेगा और सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है, नोट कीजिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। 46 की कहानी क्या कहती है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, रूट के अंदर लिखा हुआ 12 प्लस ठीक है, हमें क्वेश्चन दिया गया रूट के अंदर 12 प्लस रूट के अंदर 12 प्लस रूट के अंदर 12 इन्फिनिटी तक बराबर क्या है। तो देखो प्लस का साइन होता है तो इसके दो टुकड़े कर लेते हैं, दो टुकड़े मतलब 3 × 12 या फिर 4 × 12 बेसिक में कराया हुआ है, यही टू कॉपी क्वेश्चन। अब आंसर कौन सा हो जाएगा, अगर प्लस है तो बड़ा वाला हो जाएगा, अगर माइनस होता तो छोटा वाला होता, अभी तो प्लस है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा 4 हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए, नोट कीजिएगा फटाफट, माइनस का होता है तो छोटा होता है, प्लस का होता है तो बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि मैंने बेसिक में भी कराया था, ये वाला भी बहुत सारे क्वेश्चन मैंने बेसिक में ही करा दिए, ठीक है, अगर नहीं देखी है बेसिक वीडियो तो प्लीज देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर हमारा है 47, क्वेश्चन हमें दिया गया है डी की पावर एस प्लस टी, डी की पावर एस प्लस टी ठीक है, हमें दिया हुआ है डिवाइडेड बाई डी की पावर एस, ब्रैकेट लगा हुआ है, फिर डिवाइडेड बाई डी की पावर टी, ठीक है। अब ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं, इसे भूल जाते हैं अभी थोड़ी देर के लिए, इससे कोई मतलब नहीं है, इसे सॉल्व करते हैं। इसे देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, डी की पावर थोड़ा सा याद करना प्लस टी एंड डिवाइडेड बाई डी की पावर एस, जब दोनों के बेस समान है इसे ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, पावर जो माइनस हो जाएगी, तो फाइनल यहाँ से कितना हो जाएगा, डी की पावर एस प्लस टी हो गई माइनस एस, ये कहाँ से आया, नीचे से आया क्योंकि दोनों के बेस समान थे, माइनस का एस प्लस का एस कट गया, अब बचा क्या मेरे पास, अगर हम देखेंगे तो डी की पावर बचती है टी, क्या बचती है टी, ये तो हमारा हो गया इसका, लेकिन फिर डिवाइड बाई दोबारा किससे करवा दिया भाई, डिवाइड डी की पावर टी से, डी की पावर टी से, डी की पावर टी कट गई तो आंसर कितना हो गया भाई, 1 डिवाइड है ये, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1 हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए, फटाफट से नोट कीजिएगा, तो 1 राइट आंसर हो जाएगा जो कि हमें दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में, नोट कीजिएगा फटाफट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, 48 की कहानी क्या कहती है देखते हैं और सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 ने दिया है 0.0016 की पावर दी गई 0.16 कितनी 0.16 मल्टीप्लाई 0.0016 की पावर दी गई है हमें कितनी 0.09 ठीक है, बेस समान है पावर जोड़ रहा हूँ तो 0.0016 पावर जुड़ जाएंगे 16 × 9 = 25 तो 0.25 ये हो गया ठीक है। एक बात बताओ जी, ये क्या है मेरा 16 ठीक है 0.00 तो अगर मैं इसे लिखूँ तो कितना लिख सकता हूँ 2 की पावर ये क्या होता है 2 × 4 = 8 × 16 2 की पावर 4 है ये ठीक है, या फिर एक काम कर सकते हैं इसे हम बोल सकते हैं क्या अगर आप देखें तो इसे हम बोल सकते हैं 0.2 × 0.2 × 0.2 × 0.2 एक बात बताओ मल्टीप्लाई करके देखें 2 × 4 × 8 × 16 हो रहा है 16 बिल्कुल सही है,
ठीक है, 16 तो हो गया, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ 0.25। अच्छा 0.25 है, इसका अगर मैं पॉइंट उठाऊंगा तो बट्टे में कितना आएगा, 100 आएगा ना। तो 25 एकम 25, 25 चौकीस 100। तो एक बात बताओ जी, यहाँ पर इस 1/4 का मैं क्या कर सकता हूँ, 4 वाला रूट लगा सकता हूँ, बिल्कुल लगा सकता हूँ, क्योंकि नीचे जितना होता है उतना यहाँ पर हो जाता है पावर से। अब यहाँ से देख लें भाई, 4 नंबर मेरे सामने दिए गए हैं, इनमें से बाहर कौन आएगा भाई, 4 जोड़े होंगे, जब ही तो एक बाहर आएगा, कोई भी एक बाहर निकाल लो, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0.2। समझ गए, 0.2 राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट से नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। 49 की कहानी क्या कहती है, सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 ने दिया है, क्यू रूट के अंदर क्या है मेरे पास, क्यू रूट है, और क्यू रूट के अंदर दिया हुआ है 13.608 का स्क्वायर माइनस 13.392 का स्क्वायर, ठीक है, ऊपर से क्यू रूट है और हमसे पूछा है किसके बराबर। वाह भाई वाह, क्या कहानी है। चलो अब क्वेश्चन बनाए तो कुछ ना कुछ तो इसका करना पड़ेगा। तो देखो क्यू रूट है, इससे अभी कोई मतलब नहीं है, ये बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है भाई, एक बार ए प्लस बी, दूसरी बार ए माइनस बी, बस ये करना है, एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है रूट के अंदर ही। तो रूट का रूट लगा रहे ना, अभी उसे पता नहीं, हम अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, मतलब 13.608 प्लस 13.392, ये हमने ए प्लस बी कर लिया। अब एक बार कर लेते हैं ए माइनस बी, तो कितना है 13.608 माइनस 13.392, ठीक है, ये हमें सॉल्व करना है। तो इसे प्लस कर लेते हैं, देखो 13 और 13 26 हो गए, 13 दुनी 26 हो गए, ठीक है, 2 का 8 इधर भेज दो, 8 अगर मैं इसे दे दूँ पॉइंट के बाद, तो ये 400 हो जाएगा ना, 400 और 600 एक, ये बना दिया 26 27। तो ये तो हो गया भाई कितना, ये हो गया मेरा 27। इसे देखते हैं भाई, इसमें माइनस करना है 13 से, 13 तो हट ही गया भाई, माइनस करेंगे ना तो वो जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पर 608 में से, 608 में से माइनस करना 392, बचा कितना भाई, 8 में से 2 गए तो 6 बचे, 10 में से 9 गए तो 1 बचा, 5 में से 216, ये कितने का क्यूब होता है, 6 का क्यूब होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 0.216 होगा। मल्टीप्लाई करेंगे एंड 0.216, ठीक है, लेकिन 216 के ऊपर लगा हुआ क्यू रूट, 216 कितने का क्यू, 6 का पॉइंट है तो 0.6 का हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो 27 है, 27 कितने का, 3 का होता है, ठीक है, तो बाहर निकालते हैं, या फिर एक काम करो इसे हटा दो, बट्टे में कितना, 1 2 3 1000 आएगा, 1000 कितने का क्यू भाई, 10 का ही तो होता है, तो नीचे तो हो गया 10, ऊपर देखेंगे तो ये हो गया 3, इंटू कर देंगे, ये कितने का, 6 का क्यू है, 6 का क्यू, 3 का ये हो गया, एंड बट्टे में 10, इसे भी तो बाहर लेके आना भाई, छोड़ के किसी को नहीं आना अंदर, तो 6 3 18 हो गया, 1 10 है बट्टे में, तो एक पॉइंट लग जाएगा, तो 1.8 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, 1.8 ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है, नोट कीजिएगा फटाफट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, बिल्कुल सिंपल सा दिखाई दे रहा है, फिर भी हम सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं और क्या कहानी है। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, जिससे क्या हो आपके पास वीडियो पहुंच जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। रूट 7 लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाई दिया हुआ है रूट सिक्सटीन प्लस 6 रूट 7 माइनस रूट 16 माइनस 6 रूट 7
ये हमें क्वेश्चन दिया है और हमसे पूछा है किसके बराबर है। तो एक बार चेक कर लेते, ऊपर है रूट सेवन, ठीक है, रूट के अंदर 16 है। ये देखिए थोड़ा सा बड़ा वाला रूट है ना, ये बड़ा वाला रूट है भाई, ये वाली जो संख्या ना इसके ऊपर जो रूट है वो बड़ा वाला है, ठीक है, और इसके ऊपर भी जो रूट है वो बड़ा वाला रूट है, समझ गए, जब ही तो हम कह रहे हैं कहीं ना कहीं मिस्टेक। चलो ठीक है, अब ये इसे भूल जाते हैं, इसे करते हैं भाई, ये क्या मेरा 2ab है भाई, हर जगह पर 2ab है, 2ab इज इक्वल टू कितना है 6 रूट 7 है, 2 से 2 3 6 हो गया। अब a और b के दो टुकड़े ऐसे कर लो जिनका स्क्वायरिंग करने पर प्लस करने पर क्या हो जाए 16 आ जाए, तो 3 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा रूट 7 भाई, ऊपर वाला तो बन गया, इसे स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, प्लस 7 रूट 7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा, 9 और 7 कितना हो गया भाई 16, अपना काम बन गया ना, कितना हो गया भाई 16 ही तो हो रहा है, तो अपना काम बन गया। अब क्या है ये 1 बाई, अब देखो 3 प्लस रूट 7 का स्क्वायर होगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो कहानी वहीं पर आती है, ठीक है, इसे और देख लेते। तो ये अगर हम देखेंगे तो कितना है 2ab इज इक्वल टू कितना है 6 रूट 7 है, तो 2 3 जा 6, ab इज इक्वल टू है 3 इंटू रूट 7, स्क्वायरिंग करके चेक कर ले भाई 16 ही तो हो रहा है, 3 3 का 9, 9 और 7 16, मतलब दोनों सेम ही है, बस साइन का चेंज है, बस क्या है यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है, तो साइन चेंज कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हो जाएगा क्या 3 माइनस रूट 7, ये हो जाएगा 3 प्लस रूट 7, ठीक है। तो ये बस सिर्फ सिखाने का था इतना पोर्शन, ठीक है, जो कि आप लोगों को अपने माइंड में ही करना है, प्रैक्टिस करोगे तो करने सीख जाओगे, ठीक है। चलो ऊपर लिखा हुआ रूट 7 एंड नीचे अगर हम देखेंगे तो ये वाला जो पोर्शन था वो कितना था भाई 3 माइनस रूट 7, ये प्लस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस ये कितना था 3 माइनस रूट 7, यही तो था 3 माइनस रूट 7, ओके, क्योंकि 3 तर का 9, 9 और इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट 7 हो जाए, मतलब 7, 9 और 7 कितना हो गया 9 और 7 16 ही हो जाएगा स्क्वायरिंग करने पर। अब क्या कर सकते हैं माइनस का गुणा कर देते, तो माइनस का गुणा करेंगे तो ये हटा देता हूँ मैं, अच्छा नहीं लग रहा, ये हटा दूँ तो ये तो माइनस का ही रहेगा, लेकिन ये प्लस का हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा प्लस का, ठीक है, ये प्लस का हो गया। अब क्या करेंगे भाई, ये माइनस का 3 है, ये प्लस का 3, हटाओ ही ना भाई, नीचे क्या रूट 7 प्लस रूट 7, तो 2 रूट 7 हो गए, तो ऊपर देखेंगे भाई रूट 7 है और नीचे भाई ये 2 रूट 7 है, तो एक बात बताओ रूट 7 से रूट 7 कट गया, ऊपर कितना बचा 1 और नीचे कितना बचा 2, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, समझ गए, फटाफट से नोट कीजिएगा। तो 1/2 मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, फिर हम चलते हैं, अब मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, और अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा और एक बार दोबारा देखिएगा वीडियो को, ठीक है। आप लोग कंप्लीट वीडियो नहीं देखते हो फिर आप कमेंट करके बोलते हो कि सर ये समझ में नहीं आया, एक बार खुद अपने आप से पूछो क्या आपने पूरी कंप्लीट वीडियो देखी, सारी चीज़ें आप अगर सीखे हो अच्छे से तो आप खुद ही कर लोगे सारे क्वेश्चन, ठीक है। चलो चलता हूँ, बाय, टेक केयर।